कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे एंड मॉर्निंग, तो आज बहुत लेट हुई, हम लोग उठे हैं सोकर 9 या 9:30 बजे। यस, तो संडे को तो भाई थोड़ा सा तो बनता है क्योंकि डेली इतनी जल्दी उठ जाना होता है। तो अभी हम लोग लेट उठे, लेट ब्रेकफास्ट किया हम लोग ने, और आपको बैकग्राउंड नॉइज में म्यूज़िक आ रहा होगा, तो संडे के दिन हस्बैंड लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो वही बजा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि स्लो कर लूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, बट थोड़ा सा स्लो किया, ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। तो अभी मेरे यूटेंसिल्स रखे हैं, ब्रेकफास्ट वाले भी मैंने वॉश नहीं किए हैं क्योंकि उससे पहले मुझे करने हैं कुछ काम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेरेस पर, थोड़ी सी टेरेस की क्लीनिंग करेंगे क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा मतलब आंधी वांधी आई थी एक दिन, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी टेरेस पर। तो एक दिन तो मैं क्लीनिंग करके आ गई थी, मैंने सोचा चलो अभी एक बार और चलते हैं टेरेस पर और देख कर आते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर है और कितनी गंदी है। क्योंकि संडे को मैं देख लेती हूँ हफ्ते में एक बार कि मतलब टेरेस की अगर क्लीनिंग करनी होती है तो मैं कर देती हूँ, मतलब मंथ में दो बार देख लेती हूँ कि क्या करना है। तो चलते हैं, अभी मैं छत पर जा रही हूँ, हस्बैंड भी जा रहे हैं साथ में, मैं कहा आप भी चलो तो देखते हैं। क्योंकि क्या है, अगर टेरेस की क्लीनिंग नहीं करूँ तो स्ट्रेस पे पूरा कचरा आता है, धूप पर पूरा नीचे आता है, तो मुझे करनी होती है। तो चलो चलते हैं और उसके बाद में खाने में देखते हैं हस्बैंड आज क्या बनवाते हैं संडे को। और अभी जो टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, तो चलिए चलते हैं और अपना डे की आगाज़ करते हैं, दिन का शुरुआत करते हैं। और अपने बालों को भी मैं टाई कर लेती हूँ, टेरेस पे जा रही हूँ, बहुत बहुत गर्मी हो रही है वहाँ। तो चलो चलते हैं और बालों को मैं अपने बांध लूँ क्योंकि ना छत पे तो जाना है और इस तरह से, क्योंकि सुबह के तो काम स्टार्ट ही हो गए मेरे, फिर तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला आज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पर ये आ गए हैं, ये बिल्कुल नीचे जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इतनी ज़्यादा टेरेस पे आप देख सकते थे कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी क्लीनिंग कर आ गई टेरेस की, क्योंकि आपके बैक साइड पे बहुत बड़े साइज़ का पेड़ है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा उसके पत्ते गिर रहे हैं, तो वो अगर मैं हर वीक में भी जाके क्लीनिंग करूँ तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सीज़न ही कुछ इस तरह का चल रहा है कि पेड़ों के तो पत्ते अब गिरेंगे, तो पूरे टेरेस पे वो ही आ रहे हैं। तो फिर जितना हुआ मुझसे पॉसिबल मैंने वहाँ की क्लीनिंग कर दी, पूरे ही जितने भी पत्ते थे टेरेस पर वो क्लीन कर दिए सारे ही, क्योंकि फिर वो पूरे स्टेयर्स से नीचे आते थे तो फिर वो पूरा मेरा जो पोर्च एरिया है वो गंदा हो जाता था। तो इसलिए मैं कर आई जितना मैं पॉसिबल था करना, तो मैंने कर दिया। अभी जो टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं और अभी बस यही किया है हमने, और अभी हस्बैंड जा रहे हैं कुछ लेने के लिए मार्केट, तो देखते हैं क्या आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। दोपहर में मैं बोल रही हूँ मैं बिरयानी बनाऊँगी, मुझे बिरयानी बनाना है क्योंकि बिरयानी जल्दी बन जाएगी और उससे पहले तो चिकन वगैरह नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो कौन सा चिकन आज मैं बनाती हूँ। और पहले तो मैं बिरयानी बना लूँगी, वो फास्ट फास्ट बन जाएगी क्योंकि दोपहर तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी है, बात करूँगी। तो हस्बैंड जा रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं क्या क्या मंगाना है मुझे, और उसके बाद में फिर हम अपना कुकिंग करते हैं। उससे पहले हस्बैंड जाएंगे, उससे पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी। सो फ्रेंड्स खाना खाने में डिसाइड हो गया है क्या क्या बन रहा है, मैं बहुत देर से प्रिपरेशन करने लगी हूँ, बच गए 1 और आप मेरी हालत देख लो, मैंने अभी तक शावर भी नहीं लिया, काम ही काम में लगी हूँ, घर की क्लीनिंग कर ली है, अब मैं जाके कुकिंग कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या बना रही हूँ।
तो हस्बैंड मुझे अभी सारा चिकन वगैरह लेके गए दे के गए हैं और मैं यहाँ पर अभी बनाऊंगी चिली चिकन। तो चिली चिकन मैं डिनर में बनाऊंगी और अभी मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। यस, तो चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी जस्ट चिकन आया जिसको मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है, सिंक में पानी डाल के रखा है। 2 kg चिकन है तो उसमें से आधे की मैं बनाऊंगी बिरयानी और आधे की मैं बनाऊंगी चिली चिकन। सो मैंने अभी क्या किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर 1/2 kg ये लिए हैं बासमती राइस, इसको मैंने रख दिया है थोड़ी देर के लिए पानी में, थोड़े से फूल जाए। और यहाँ पर ये वाली जो प्याज मैंने चॉप की है ये है मेरे चिकन के लिए, मतलब चिली चिकन के लिए, और ये है मेरी बिरयानी के लिए। और अभी मुझे ये पूरा वॉश करना है और इसके बाद मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है क्योंकि इसमें मैं राइस को बॉईल करूँगी, तो स्टीम करूँगी मैं इसमें। तो यही अभी प्रिपरेशन हुई और तो कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ फर्स्ट मैं इसका बिरिस्ता बना लूँ तो जल्दी से काम हो जाता है बिरिस्ता बनाने से, मतलब प्याज को फ्राई कर लूँगी मैं, डीप फ्राई कर लूँगी ऑयल में तो जल्दी से काम होगा मेरा। तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, पहले 1/2 kg है ये। ये मेरा वीकेंड आज कैसा मन रहा है और अजान भी हो गई है तो अभी तो मुझे टाइम है नमाज पढ़ने में, तो पहले तो मैं शाम लूँगी उसके बाद में कोई काम करेंगे। तो पहले तो बिरयानी बना लूँ, उससे फ्री होंगी उसके बाद कुछ काम करूँगी। और अभी 1 बज गए हैं, 2:30 बजे तक पढ़ लेंगे। तो अभी ये सारे जल्दी जल्दी से काम करते हैं क्विकली। और थोड़ा सा वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स आए हैं उसको भी मुझे अरेंज करना है, वो सब निकालना है। बहुत संडे का दिन इस तरह से आज कहीं नहीं जाते हैं, घर में ही हैं अपने घर। कभी कभी ना कहीं नहीं जाना चाहिए, कभी कभी कुछ अच्छी सी कुकिंग हस्बैंड के लिए कर देनी चाहिए, तो फिर इसलिए मैं कर रही हूँ कुकिंग और अच्छी सी। और कहीं आज घूमने कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में ही हैं और घर में ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है 2:45 बज रहे हैं, शाल ले लिया है, नमाज़ पढ़ी है क्योंकि नमाज़ को मुझे बहुत लेट हो रहा था 3:30 बजे के बाद। फिर जोहर की नमाज़ मतलब मुझे नहीं लगता कि पढ़ने चाहिए और लेट हो जाता फिर मैं बताऊँ तो, फिर इसलिए मैंने अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। सारे काम मैंने यहाँ क्लिनिंग वगैरह कर दी थी और अभी तक मेरी बिरयानी नहीं बनी है, कैंसी। तो अब मैं जा रही हूँ बिरयानी की तैयारी करने के लिए। आप देखो मैंने जो फ्राई किया था ना ये अनियन, ये भी हो गया है, सब कुछ हो गया है और बस अब टमाटो वगैरह काटने हैं। यूटेंसिल वॉश कर दिए थे मैंने वो भी, और मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। हस्बैंड थोड़ा सा काम से चले गए हैं और वो बस आप ही होंगे, भूख तो मुझे ही बहुत ज़ोरों की लग रही है। अब पहले तो मुझे पूरा चिकन फ्राई करना है और उसके बाद में बिरयानी बनानी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
अभी जो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, यूटेंसिल्स मेरे सारे वॉश कर दिए हैं मैंने, बिरयानी को दम पे लगा दिया है, तो लंच कंप्लीट हो गया है, सारी वेजिटेबल फ्रिज में सेट हो गई हैं और बस हम लोग लंच करेंगे। और अभी कुल्फी वाला आया तो मैंने कुल्फी ली थी तो मैंने अपनी फ्रीज़र में रख दी थी क्योंकि ना मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मैं सारी चीज़ें अरेंज करी थी, तो और टेस्टी कुल्फी वाला आता तो हमने कुल्फी लिए। तुम जो बैठते हैं दम पे लगी बिरयानी, अभी बालों को अभी तक कूम करने का टाइम ही नहीं है पास, जल्दी से बस बिरयानी हो जाए। चलो रूम में थोड़ा चलते हैं हवा खाते। तो अभी कैसी बनी है बताओ? सच में कि बस ऐसे? कितना टाइम लग गया ऐसे बनाने में? 3 घंटे। देख लो आप, से भी खानी है मेरी चिकन टिक्का बिरयानी, तो आ जाओ और जल्दी से इसे खा लो। ये देखो कितनी यम्मी लग रही है देखने में। चलो मैं भी खा लूं क्योंकि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत देर हो गई है, तो मैं भी खा लूं। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है 7:15 हो गए हैं और मगरिब की नमाज़ हो गई है, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और मैंने जो चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी हस्बैंड को बहुत बहुत अच्छी लगी। और जब हम इतने प्यार से और इतना एफर्ट और अपना टाइम लगा के किसी चीज़ को बनाते हैं और वो अच्छी बन जाती है, स्पेशली बिरयानी में मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है ना कि बिल्कुल राइस एकदम खिला खिला होना चाहिए तभी अच्छा लगता है खाने में, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हस्बैंड को बहुत बहुत अच्छे लगे और उन्होंने बहुत अच्छे से पेट भर के खाए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब हम कुछ बनाते हैं कोई बहुत प्यार से और अच्छे से खाता है ना, तो लगता है कि हाँ मेहनत सफल हो गई हमारी। और अभी ना अब ना चिली चिकन के लिए ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ना चिकन तो मेरा फ्राई ऑलरेडी रखा है, बट मुझे कैप्सिकम कट करनी है और थोड़ी सी अनियन मुझे चॉप करनी है और बस जल्दी से बन जाएगा। इसमें तो कुछ तामझाम होता नहीं है कि कुछ ग्राइंड करना है नॉल, बहुत जल्दी से बन जाता है चिली चिकन तो। और चपाती तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि आटा लगाना पड़ेगा देन बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा आज ना मैं मॉर्निंग से ही कुछ ना कुछ, आज का वीकेंड ऐसे ही निकला किचन में, और तो मैं आज रोटी नहीं बनाऊंगी, मैंने बोल दिया हस्बैंड से वो मार्केट से लेकर आएंगे। और तो चलिए अब किचन में चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या काम है। इतने बड़े बड़े मैंने ये पतीले चढ़ाए थे जो कि खाली हो गए हैं, वॉश करके रख दिए थे, वॉश करके रखे हुए हैं ये। अब ये है शिमला मिर्च, इसको इतनी सारी लेकर आ गए थे, ये देखो कितनी सारी है, तो देखते हैं कितनी काटनी है। और ये तो फ्राई तो पूरा ही रखा हुआ है तो ये तो देखते हैं। और इतनी बस प्याज है, इसको मुझे चॉप करना है और थोड़ा सा क्योंकि मुझे कम लग रही है क्योंकि किसी ना किसी चीज़ में ले ली थी, रायता बनाया था और थोड़ी सी फ्राई करके ऊपर डाली थी बिरयानी में, तो ये थोड़ी सी बची है, तो चलिए इन सबको ही चॉप करते हैं और जल्दी से बनाते हैं। जल्दी से मैं सोच रही हूँ बड़े बड़े साइज की काट लूँ तो जल्दी से काम हो जाएगा आसान मेरा। बस 4 इनफ है, बहुत सारी अनियन हो जाएंगी नहीं तो बस ठीक है। ये निकालते हैं, ये कितने बहुत फ्रेश हैं, एकदम सारी ही फ्रेश हैं, आराम से बैठ के रूम में बैठ कर मैं सारी चीज़ें चॉप करूँगी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुझे किचन में गर्मी लग रही है। तो
बज रहे हैं 8 और आज मेरा मॉर्निंग में एक पार्सल आया था जो अब जाके मैं उसे मतलब मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया और मैं आपके मेरे हस्बैंड उसको असेंबल कर रहे हैं। मैंने एक ड्राइंग स्टैंड मंगाया था क्लोथ वाला तो उसे पूरा असेंबल कर रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना, 8 बज गए सुबह से मैं लगी तो चलो आपको लेकर चलती हूँ। तो मैं रूम में आई हूँ स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए और ये रहा और ये है। तो मैंने अमेज़ॉन से इसको परचेज़ किया है, बहुत टाइम से नीड हो रही थी। जैसे कि आप देख रहे हो कि वेदर अब कैसा होने वाला है, कुछ टाइम बाद रेनी सीज़न आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा कपड़ों को ड्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हर बार। तो मैं सोचती रूम में रोप बांधो और यहाँ वहाँ पे टेरेस से कपड़े उठा के लो तो बहुत हैक्टिक हो जाता था मेरे लिए। तो मैंने सोचा इस बार मैं ऑर्डर कर ही लूँगी तो मैंने कर लिया है। 6 लेयर वाला है ये, जब पूरा असेंबल हो जाएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये लीजिए, ये देख सकते हो आप, ये 6 लेयर्ड स्टैंड है क्लोथ ड्राइंग स्टैंड। तो ये बनकर रेडी हो गया है, इसको रेडी करने में हार्डली 1/2 आवर लगे हैं। और ये आप देख सकते हो ऊपर वाला, हम इसमें यहाँ पर हैंगर हैंग कर सकते हैं। और इसके जो आयरन की क्वालिटी है इट्स क्वाइट हैवी, बिल्कुल भी अगर आपको देखकर लग रहा होगा ये बहुत ही लाइट है, बट यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा स्टडी है और बहुत अच्छा है ये, आप देख सकते हो। और आप इसका ये डिस्टेंस भी देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा दूर पर है। ये मत सोचिए ये बिल्कुल चिपका चिपका है, ये बिल्कुल से दूर दूर है। तो इस तरह से मिल जाएगा। देन इसके व्हील कुछ इस तरह से हैं, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। देन आप इसको जब टक कर देंगे तो ये मूव नहीं करेगा, इसलिए आपको इसको इस तरह से करना है तो ये चारों तरफ मूव करेगा। अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको ये इस तरह से इसे ओपन करेंगे, देन ये ऐसा हो जाएगा। और अगर आपको इसको फिर फिक्स करना है तो इसे अंदर करेंगे हम कुछ इस तरह से तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो